हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे नंबर सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर इन यूनिट प्लेस इन 729 पावर 50। ओके, तो अगर हम लोग 729 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 729 पावर 2। और 2 क्या है? इवन है। मीन 729 पावर अगर इवन इंडेक्स है तो लास्ट में क्या आएगा या फिर यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 729 पावर 58 को कि उसके भी यूनिट प्लेस में 1 आएगा, क्योंकि 58 क्या है? इवन नंबर है। ओके, तो हम लोग 729 पावर 59 को क्या लिख सकते हैं? 729 पावर 58 मल्टीप्लाइड बाई 729। तो 729 पावर 58 को हम लोग देख चुके हैं कि उसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा, और इसको हम लोग 729 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। क्या होगा? 9 होगा। इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इसी तरह का, तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे निकालना है इस नंबर से 623 पावर 36 का, 623 पावर 38 और 623 पावर 39 का। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 623 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 623 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 623 का स्क्वायर कितना आएगा? इतना आएगा। और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है। मींस हम लोग अगर 623 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या फिर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। फिर अगर हम लोग इसको 4 टाइम्स कर दें 623 को, या फिर 623 का इंडेक्स 4 कर दें, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे 9 इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो 9 से कितना होगा? 81 होगा। यहाँ पे 9 आएगा, 3 3 3 3 9 और यहाँ भी 3 3 9, तो 9 9 81। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा इससे। ओके, हम लोग इसको गेस भी कर सकते हैं आसानी से। 3 पावर 4 क्या होता है? 81 होता है। तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि 623 पावर 36 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 623 पावर 4 इंटू 9, या फिर अगर हम लोग इसको सिंपली लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 623 पावर 4n, 4n n कुछ भी हो सकता है, 9 10 11 12 जो भी, और इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या होगा? यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारा है वो क्या है? 623 पावर 38। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 623 पावर 36 इंटू 623 पावर 2, क्योंकि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होता है तो 38 आ जाएगा। और 623 पावर 36 कितना है? यूनिट प्लेस पे 1 देगा, और 623 का स्क्वायर क्या देगा? यूनिट प्लेस पे 9 देगा। और फिर अगर हम लोग इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा? 9 1 9 होगा, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो 623 पावर 38 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग 623 पावर 39 करें तो इसको 623 पावर 36 इंटू 623 का क्यूब लिख सकते हैं, या फिर सिंपली इसको अगर ऐसे लिखें, हम लोग 623 पावर 38 ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 623 पावर 38 इंटू 623। ओके, तो 623 पावर 38 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ...9 लिख दें, ...9 मल्टीप्लाइड बाय 623 करें ये नंबर, तो क्या होगा? 9 3 27। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 7 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो 623 पावर 39 के यूनिट प्लेस पे 7 होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
26 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें तो 25 और 26 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, और कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा उसके सम के बराबर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 51। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो यहाँ पे ए क्या है 26 है और बी क्या है 25, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 26 प्लस 25 51, और यहाँ पे 26 माइनस 25 क्या होगा 1 होगा। तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होगा 51 होगा। ओके, तो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा उसके सम के बराबर होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स के। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 363। यहाँ पे 363 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऑड नंबर रहता है तो उसमें नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 363 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 182 ऑड नंबर, एंड इवन नंबर इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 363 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 181। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।